क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत? आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच देते हैं। आपका जो दृष्टिकोण है उसको ठीक करते हैं, आपकी सोच में जो गड़बड़ी है उसको ठीक किया जाता है, आपके जो नकारात्मक सोच है उसको हम सकारात्मक बदलते हैं। हमारे पास ना तो कोई जादू है, ना टोना है, ना क्रिया है, ना कांड है, और ना किसी का मिस मैनेजमेंट हमारे पास में दृष्टि विज्ञान है। हम आपकी दृष्टि को बदल करके आपकी सृष्टि को बदलते हैं। इसी सिद्धांत के ऊपर हमारा आधारित है हमारा ये आत्मविज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत के कानून पर आधारित है, और उसके माध्यम से, दृष्टि विज्ञान के माध्यम से हम आपको सनातन सत्य बताते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ बताते हैं, अल्टीमेट ट्रुथ बताते हैं और सार्वभौम सत्य देते हैं, जिससे आपकी निष्पत्ति यह होती है, आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है जे पिंडे ते ब्रह्मांडे। भाई और बहनों, ये एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक सुक्ति है कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। हमें सबसे पहले पिंड और ब्रह्मांड की व्याख्या करनी है। ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड है पूरा परावरण, पर्यावरण, पूरा विश्व, पूरा जगत, पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड, पूरी पृथ्वी, ये सारा ब्रह्मांड है। लोक कहा जा सकता है, और उस लोक में ही प्राणी निवास करते हैं। लोक के बाहर एक अलोक है, उस अलोक के अंदर प्राणी निवास नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। वहाँ व्यक्ति को जीवित रहने के लिए जो चीज़ें हैं, जिसकी हम कुदरती रचना की बात करते हैं, वो कुदरती रचना वहाँ नहीं है। वहाँ केवल एक स्पेस है और बाकी के पांच तत्व नहीं है, इसलिए वो हमारे काम का नहीं है, वो खाली पड़ा है। तो उस ब्रह्मांड को जो है हम दो तीन दृष्टिकोण से डिफाइन करते हैं। पहले तो ये है कि ब्रह्मांड जो है वो किन तत्वों से बना हुआ है। ब्रह्मांड हमारा पंचभूतात्मक है। पूरी सृष्टि जो है पांच भूतों से बनी हुई है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन पांच भूतों से इस सृष्टि में निवास करने वाले 84 लाख जीवा योनि, जो उत्पत्ति स्थान के जो जीव है, प्राणी है, वो यहाँ निवास करते हैं, और उन प्राणियों की संख्या अनंत है। मैं संख्या में नहीं जाना चाहता। वो जड़ की मदद से जो है हमारा जड़ पदार्थ, निर्जीव पदार्थ होता है, जो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श वाला है, वो गलन मिलन धर्मा है, वही संसार के अंदर विचरण करता है। संसार उसके पीछे ही चलता है, इसलिए कहा गया हर क्षण हर वस्तु बदलती है। वो वस्तु जड़ पदार्थ है, वो बदलता है। चेतन तत्व, मूल चेतन तत्व कभी नहीं बदलता है, वो तो भूत, भविष्य, वर्तमान में शाश्वत है, इसीलिए उसको अविनाशी कहा गया है। और संसार को बदलने का अर्थ होता है जड़ बदलता है, वो गलन मिलन धर्मा है, कभी टूट करके अभ्रक बना, कभी बॉडल बना, कभी जो है वो सोना बना, कभी चांदी बना, 106 तरह के सब्सटेंस जो है बनते रहते हैं। भाई और बहनों, तो ये पूरा ब्रह्मांड का चित्रण है, पांच भूतों का चित्रण है, ब्रह्मांड का चित्रण है। अब इस ब्रह्मांड को जो है हम कुदरत भी कह सकते हैं। तो जिस कुदरत की मैंने आपको व्याख्या की है, उस कुदरत की रचना की बात भी हम करते हैं कि कुदरती रचना क्या है। ये कुदरत तो चलती है, वह 6 द्रव्यों से चलती है। 5 द्रव्य तो वैज्ञानिक भी मानते हैं, और 6ठा द्रव्य है वो आध्यात्मवादी मानते हैं। यानी आध्यात्मवादी 6 द्रव्य मानते हैं, भौतिकवादी 5 द्रव्य मानते हैं। तो उनकी हम व्याख्या करते हैं, ये कौन कौन से द्रव्य हैं। सबसे पहला द्रव्य है जो आध्यात्मवादी मानते हैं और भौतिकवादी जो है उस पर इतना ध्यान नहीं देते, वो है हमारी चेतना।
चेतना का मतलब जीवित प्राणी, असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहा जाता है, कॉन्शियसनेस कहते हैं, चेतना कहते हैं, और वह जो है वो सुख दुख की अनुभूति करता है और उसके साथ साथ के अंदर उसकी ग्रोथ होती है, फीलिंग्स होती है और प्रजनन करता है। ऐसी 9 करेक्टरिस्टिक जो है वो हमारे आगमों के अंदर इस आत्मा कॉन्शियसनेस के बारे में बताई गई है, और विज्ञान भी अपने तरीके से उनको उनके साथ में सहमति है, वो कॉन्शियसनेस के रूप में विज्ञान भी सहमत है जो आध्यात्मवादी जिसको आत्मा चेतना जीव कहते हैं, पहला तत्व जिससे कि ये पूरी जो कुदरत बनी है, और दूसरा तत्व जो है वो अजीव जो वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है, वो निर्जीव है, वो फीलिंग नहीं होती, जिसमें सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, वो मात्र साधन मात्र है, वह जीव के काम आता है, और जीव का जो शरीर बनता है वह भी जड़ पदार्थों से बनता है, तो उसको मैटर भी कहते हैं, सब्सटेंस भी कहते हैं, और उसको जो है वो पुद्गल भी बोला जाता है। दूसरा तत्व हो गया जड़, चेतन जड़, और तीसरा क्या है, चेतन और जड़ जो है ये मोशन करना चाहते हैं, ये मैं हाथ हिला रहा हूँ, हाथ हिलाना चाहता हूँ, तो हाथ को हिलाने के लिए पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो है एक द्रव्य, एक तत्व, एक सब्सटेंस मौजूद है जिसको कि हम गति सहायक कहते हैं। वो पूरा तत्व ब्रह्मांड में एक सिंगल तत्व है, वह अरूपी है, दिखाई नहीं देता है, और वह जो है जड़ है, जड़ है वह दिखाई नहीं देता है, और उसके बाद में वह उसका लक्षण क्या है, उदासीन रूप से जब कोई उसकी डिमांड करता है तो हाजिर होता है, बिना बुलाए वह हाजिर नहीं होता, वो तो अपनी जगह पे पूरे पूरे ब्रह्मांड के अंदर फैला हुआ है, एक सूर्य की नोक, एक जो सुई की नोक जितनी भी जगह इस ब्रह्मांड के अंदर खाली नहीं है जहाँ पर जो है ये मोशन तत्व, गति सहायक तत्व नहीं हो। जब इसीलिए मेरी हाथ हिलता है, ट्रेन को चलना होता है, फ्लाइट को चलना होता है, व्यक्ति को दौड़ना होता है, कोई भी को गति करना होता है और डिमांड करता है, तो ये गति सहायक तत्व मोशन मिल जाता है। चौथा तत्व तो यही है कि वही जीव और अजीव जब मोशन के अंदर रुकना चाहता है, ट्रेन रुकना चाहती है, फ्लाइट लैंड करना चाहती है, हेलीकॉप्टर लैंड करना चाहते हैं, मैं हाथ हिला करके और जो है वो हाथों को शांत करना चाहता हूँ, या दौड़ता हुआ व्यक्ति जो है रेस्ट करना चाहता हूँ, रेस्ट तत्व, स्थिति सहायक तत्व पूरे ब्रह्मांड में गति सहायक की तत्व की तरह मौजूद है और डिमांड करते हुए हाजिर हो जाता है, 4 तत्व। और जो पांचवा जो तत्व है वो टाइम, सबसे छोटा टाइम की इकाई होती है, सेकंड होता है, फिर मिनट होता है, उसके बाद में घंटे होते हैं, फिर दिन होता है, फिर पक्ष होता है, वर्ष होता है, और उसके वर्ष के बाद शताब्दी होती है, शताब्दियों के बाद में 6 अवसर्पिणीकार 6 उत्सर्पिणीकार के 20 करोड़ सागर का एक पूरा जो है काल चक्र होता है, ये हमें वर्तना देता है, ये टाइम मैनेजमेंट है, ये टाइम तत्व, ये समय तत्व है, ये जो है हमारा जो पांचवा तत्व हो गया, और छठा तत्व स्पेस है, मैं जो बैठा हूँ इतनी जगह घेर रहा हूँ, ये इतना आकाश मैंने घेरा है, मेरे सामने जो टेबल पड़ी है जितनी टेबल जगह घेरती है, कोई भी जीवित प्राणी जितनी जगह घेरता है वो आकाश तत्व, आकाश तत्व के बिना आकाश में अवगाहना देता है, हम अपना अस्तित्व उसमें रख ही नहीं सकते, एक दूसरे पर पड़ेगा और वस्तु का जो अस्तित्व ही नहीं रहेगा, वो वहाँ ठहरने को जगह ही नहीं होगी, अवगाहना स्पेस देता है। इन 6 तत्वों, इन 6 समवाय और इन 6 जो है वो द्रव्यों के माध्यम से, सब्सटेंस के माध्यम से ये कुदरती रचना है, और ये कुदरती कानून के तहत जो है वो काम करती रचना। तो भाई और बहनों, हमारा जो आज का जो मूल विषय जो है हम लेकर के चल रहे हैं वो ये है कि जे पिंडे थे ब्रह्मांडे, तो हमने ब्रह्मांड की व्याख्या की कि ब्रह्मांड कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून से संचालित करता है, वो सारा कुदरत का कानून हम इस ब्रह्म इसके ऊपर पिंड के ऊपर लागू करेंगे। पिंड का मतलब जीवित प्राणी, इसको हम पिंड बोलते हैं, यानी जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में, ये जो पिंड है उसका प्रतिनिधि करता है, हर जीवित प्राणी इस ब्रह्मांड का प्रतिनिधि है, क्योंकि वह हलन चलन करता है, वह अनुभूति करता है, वह फीलिंग करता है, जड़ तो बेचारा पड़ा रहता है, जड़ का तो उपयोग करता है, ये जीवित प्राणी ही जड़ का उपयोग करता है, वो जड़ से ये शरीर बनता है, जड़ से ही रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा ये अन्य अन्य सुविधाएं हमारे को जड़ के रूप के अंदर ही मिलती है। तो इसीलिए जो है ये पिंड है, जो इस पिंड के अंदर है
वही ब्रह्मांड में है, इस पिंड के अंदर क्या भरा पड़ा है वो हम उसका चिंतन करते हैं। और ये पिंड किस तरीके से संचालित होता है, हमने कुदरत, कुदरती रचना की बात की है, कुदरत का कानून इस पिंड पे होता है, कुदरत का कानून इस पिंड को संचालित करता है। और जैसे कि वो हमारा ब्रह्मांड जो है वो पंचभूतात्मक है, वो पांच भूतों से, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से ये पिंड बना है और इससे ही पोषित होता है। और जब पूरा समय आयुष्य कर्म के अनुसार इसका समाप्त हो जाता है तो ये पिंड है वापस जड़ में कन्वर्ट हो जाता है, और जड़ में कन्वर्ट होकर के ब्रह्मांड में चला जाता है, जल करके ये पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, और आकाश आकाश में मिल जाता है। और मिल करके जितने भी जीव अपने कर्म के अनुसार या भोग करके मरते हैं, तो लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड की जो एनर्जी E=mc², जो विज्ञान ने जो बताया है कि इस पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी कभी भी 1% भी नष्ट नहीं होती है। और जो E=m का मतलब मास, और C² कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है, वो हर वक्त कांस्टेंट रहती है एनर्जी। और ये ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलता है, और गैस वाइब्रेशन से बदलता है, और सारा ब्रह्मांड है ये वाइब्रेशन से बनता हुआ है। आज जो बोल रहा हूँ वही मेरी ये जो भाषा है वो कन्वर्ट होकर के आपको टीवी में, मोबाइल में, पूरे विश्व के अंदर, अगर इसको यूट्यूब में डाल दिया जाए पूरे विश्व का कोई व्यक्ति सुन सकता है। और इस तरीके से ये बात जो है वो टीवी के माध्यम से आ सकती है, किसी भी माध्यम से आप तक पहुंच सकती है। तो ये सारा कन्वर्शन ऑफ दी एनर्जी है, और ये जो है होती रहती है। इसीलिए कहा गया है हर क्षण हर वस्तु बदलती है, और ये पूरा ब्रह्मांड रिलेटिव, रिलेटिव कैसे है, एक परिंदा भी जब पर मारता है तो पूरा ब्रह्मांड हिलता है, क्योंकि ब्रह्मांड वाइब्रेशंस का है। जैसे हमारी मोबाइल का जो स्क्रीन है वो वाइब्रेशन से बना हुआ है, तो उसी तरीके से पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशन का है। और इस वाइब्रेशन को जिसने पढ़ा है, जो साइंस के विद्यार्थियों में, वो जानते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा और वेव लेंथ, और उसके बाद के अंदर जो है इसकी फ्रीक्वेंसी, वो सब जानते हैं। ये सारा नियम जो है ब्रह्मांड के ऊपर लागू होता है। तो ये हमने बताया, ये पिंड जो है इन पांच भूतों से बना हुआ है, और पांच भूतों के साथ में 6 द्रव्य से ये कंट्रोल होता है। अब कुदरत के कानून की बात करते हैं, जो कि कुदरत का कानून है ब्रह्मांड के भी लागू होता है, वो ब्रह्मांड के ऊपर जो है पूरे ब्रह्मांड पे लागू होता है। और पिंड जो कि हमने एक रोल मॉडल लिया है समझाने के लिए, ऐसे असंख्य पिंड है, तो उन पिंड के अंदर मतलब शरीर, उस पर शरीर पे लागू कैसे होता है। अब आप देखिए कि हम क्या है कि अब कुदरत का कानून क्या कहता है कि कोई भी जीव जो है वह पुनर्जन्म करता है, वह भूतकाल में था, वर्तमान काल में फिर जन्म लेता है, और भविष्य काल में फिर जन्म लेगा। तो हम अगर गीता को यहाँ कोट करें तो गीता में भगवान कृष्ण ने यह कहा है कि जिस तरीके से व्यक्ति का कपड़ा जो है बहुत जीर्ण शीर्ण हो जाता, पुराना होता है, और व्यक्ति उस कपड़े को फेंक देता है, तो उसी तरीके से ये आत्मा का आयुष्य जो समाप्त हो जाता है, शरीर क्रश हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तो ये आत्मा जो है इस कपड़े रूपी शरीर को जो है छोड़ करके नया कपड़ा, नया शरीर धारण कर लेती है, यानी पुनर्जन्म हो जाता है। तो ये सिद्धांत जो है वो गीता के द्वारा भी हमें मिला गया है, और ये तो शाश्वत है। ये सभी धार्मिक ग्रंथ हमारे बताते हैं पुनर्जन्म के बारे में। और जो आत्मा में विश्वास करते हैं, हर धर्म दर्शन जो है वो कर्म में भी विश्वास करता है। अब कर्म किस तरीके से संचालित करते हैं, अगर कर्म सिद्धांत को मैं इस पूरे सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का ईश्वर कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर दिखाई नहीं देता है। कर्म का जो परिणाम है हमें इस पिंड के अंदर दिखाई देता है, किस तरीके से होता है कि व्यक्ति ने पास जीवन के अंदर, मान लीजिए मेरा नाम सोहन राज है, पास जीवन के अंदर मोहन राज था, तो मोहन राज ने जिस तरीके के कॉजेज डाले, जिस तरीका उसका डिस्चार्ज हुआ, और वो डिस्चार्ज के साथ में जुड़ गया, तो अगर न जुड़ता है तो कॉज नहीं पड़ेंगे, और वो जुड़ गया
तो कॉजेज जैसे डाल दिए, उस कॉजेज के से जो है वो एक कॉज को हम कॉज कहते हैं, कारण कहते हैं, और जो है उसके बाद के अंदर वो जब कॉज सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो उन कॉजेज को हम कॉजल बॉडी, कार्मण शरीर, लिंग शरीर कहते हैं, और उस कॉजेज के अनुरूप जो है आयुष्य कर्म के आठ तरह के जो कर्म है, ज्ञानवर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म और आयुष्य कर्म है, इन आठ कर्मों के वशीभूत होकर के जो है हम जन्म लेते हैं। तो जन्म लेने का जो जितना भी वो सारा उदय भाव से जो होता है, तो पूर्व जन्म के अंदर मोहन राज ने जो कॉजेज डाले थे उस जन्म के अंदर द्रव्य कर्म रूप बन करके सोहन राज भुगतता है, और हर क्षण जैसा जैसा उदय प्रारब्ध उसका चलता रहता उसके अनुरूप जो है कर्म वो भुगतता रहता है। तो ये करने वाला अलग है, ये भुगतने वाला अलग है, ये तो सोहन राज कर रहा है, और ये सोहन राज जो यहाँ पे जैसे कॉजेज डालेगा, नया कॉजल बॉडी बनाएगा, नई प्रतिष्ठित आत्मा बनाएगी, तो वो चार्ज जो वो चार्जिंग आत्मा बनाएगी, तो चार्जिंग आत्मा जो है वो आगे जाकर के अगले जन्म के अंदर वो यशवंत राज बनेगा। तो यशवंत राज जो यहाँ के जो कॉजेज है जैसी प्रतिष्ठित आत्मा बनी है उसके अनुरूप वो द्रव्य क्रम के अंदर बदल जाएगा, और द्रव्य क्रम के अनुसार उसका भुगतान होता रहेगा। अब देखिए कि जे पिंडे तो ब्रह्मांडे, उस पिंड के अंदर अब कॉमन चीज क्या है, भूतकाल के अंदर, वर्तमान काल के अंदर, भविष्य के अंदर, शरीर तो पिंड तो अलग अलग बदलते गए, लेकिन पिंड के साथ में जो आत्मा, जो शाश्वत तत्व है, जो हमने प्रारंभ में बात की चेतन तत्व है, वह तो कॉमन है। वो हमारा भूतकाल में भी उस आत्मा की जो है हाजिरी थी, वर्तमान काल में भी उसकी आत्मा की हाजिरी है, और भविष्यकाल के अंदर जब यशवंतराज बनेगा तो उसी आत्मा की हाजिरी है। आत्मा कॉमन है, आत्मा शाश्वत है, वह नहीं बदलता है। किसी भी प्राणी की आत्मा है वो शाश्वत है, वो कभी नहीं बदलती है। शरीर बदलते हैं और कर्मों के अनुसार जो है उनका जो है वो भुगतान होता रहता है वो हर जीवन के अंदर। तो भाई और बहनों, ये कुदरत का कानून है कि जब उसके कर्म के उदय में आते हैं तो कुदरत ये कहती है कि मैंने इस पिंड को जन्म दिया है, इस पांच भूतों रूपी इस पिंड को जन्म दिया है। जन्म देते ही उसकी कुदरत की जिम्मेवारी हो जाती है कि जो भीतर से जो उपादान है उसका द्रव्य कर्म है, तो उस द्रव्य कर्म के अनुरूप निमित्त जुटाना, संजोग जुटाना, वह सब कुदरत करती है। इसलिए व्यवस्थित शक्ति और कुदरत एक ही बात है, कुदरत ही करता है, मनुष्य करता हो ही नहीं सकता। मनुष्य को कुदरत ने करता बनने की कोई पावर नहीं दिया है, फिर भी वो कहता है कि मैं करता हूँ, ये बड़ा अज्ञान है, ये वेल्डिंग है, और इस अज्ञान, ये मिथ्यात्व है, ये मिथ्या दर्शन है, ये मिथ्या ज्ञान है। तो इसी के अनुरूप जो जब इसको ज्ञान मिथ्या ज्ञान में रहता है और अपने आप को कर्ता मानता है, अपने आप को मालिक की भाव लाता है, घर का मालिक, धन का मालिक, परिवार का मालिक, और मैं विद्वान हूँ, और मैं जो किसी का हस्बैंड हूँ, ऐसे कर्ता भाव और मालिकीपन भाव लाता है, तो उसके कारण जो है ये जन्म जन्मांतर में, भव भवांतर में घूमता रहता है। क्योंकि ये तो नए कॉज डाल रहा है, ये कॉजेज कर्ता भाव और मालिकी भाव, ये नए कॉज खड़े होते हैं, और नया चार्ज होने के बाद में जो यहाँ का नया चार्ज है आने वाले समय की, वो प्रतिष्ठित आत्मा, डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा के रूप में बनेगी। यहाँ चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है और ये क्रम तो चलता ही रहता है, लेकिन जब ज्ञानी पुरुष का संसर्ग मिलता है, व्यक्ति को ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान मिलने के बाद के अंदर जो हमारी जो पिंड के अंदर विराजमान शाश्वत शुद्ध आत्मा भगवान है, वो भाव सत्ता में से वो प्रज्ञा जागृत हो जाती है, और प्रज्ञा जागृत होकर के और इस पिंड को चेतना करवाती रहती है कि तू तो ज्ञान लिया हुआ है, तू तो ज्ञानी है, तू अपने ज्ञान के दायरे में आ जा। और ज्ञान के दायरे में आते ही वो क्या करता है, ये वह जो अपने स्वरूप के अंदर स्थित हो जाता है और नए कॉजेज डालना बंद कर देता है, और पूर्व जन्मांतर के जितने भी कॉजेज बर्फ की शिला की तरह वो कॉजेज पड़े हुए हैं वो पिघलते रहे। कहने का अर्थ ये होता है कि ज्ञान लेने के बाद में प्रज्ञा जो है वो मॉनिटर करने लग जाती है, वह प्रज्ञा मोक्ष की प्रतिनिधि है, वो मोक्ष की प्रतिनिधि के रूप में
कुछ ही भवों में इस पिंड को जो है अवश्य मुक्ति को भेजती है और ज्ञान लेने अज्ञान अज्ञानी होता है वह उसमें प्रज्ञा का हाजिरी नहीं होती है और वह तो जो है वह चार्ज डिस्चार्ज भव भवांतर में करता रहता है। उसकी कोई सीमा नहीं है, उसके भवों की सीमा नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि भव सुधारो भव सुधरेगा, भव बिगाड़ो भव बिगड़ेगा। भाव कैसे डालते हो आप, प्रतिष्ठा कैसी करते हो, उस प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित आत्मा बनती है, चार्ज आत्मा बनती है और वही आगे जाकर के डिस्चार्ज होता है। एज यू विल सो सो विल यू रीप, और जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आपका जो वोगे वैसा काटोगे, सुख दिए सुख होते हैं, दुख दिए दुख हो, ये सारे सिद्धांत के आधार पर चार्जिंग होती है और वो हमारी ध्वनि बनती है। इस जन्म की ध्वनि है, वो पिछले जन्म में अगले जन्म में जाकर के वो प्रतिध्वनि होती है, एग्जैक्टली उसका वही होता है। तो ये जे पिंडे ते ब्रह्मांड का मतलब ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करने वाला यूनिट है, वो इकाई होता है, इसमें वही है जो ब्रह्मांड के अंदर है, उसकी ट्रू कॉपी है। तो इसीलिए कितना बड़ा एक सुंदर रहस्य हमारे जो है हमें जीवन का मिलता है कि हम ब्रह्मांड के प्रतिनिधि हैं। तो हमें ब्रह्मांड के अंदर कोई भी ऐसी एक्टिविटी करनी ही चाहिए, वही एक्टिविटी करनी चाहिए जो हमको तारने वाली हो, हम तिन्नानम तारियानम बने, हम जगत कल्याण का कार्य करें। ऐसे नहीं है कि हम मनुष्य बन करके आए, ब्रह्मांड ने हमको भेजा, ब्रह्मांड ने हमारा एक प्रतिनिधि आइडियल बना करके भेजा, हमें आइडियल का काम करना चाहिए। आइडियल का काम क्या है कि अपने स्वरूप के अंदर निवास करना, निज स्वरूप को देखना, और दूसरा क्या है कि जो हमारा कॉज है उस कॉज कैसा होना चाहिए कि अपने खुद के दोष देखो, किसी दूसरे के प्रति बुरा भाव आए या उसको दोषित देखा, वो दोष उसका नहीं है, दोष मेरा है। यानी जो है आप दुनिया को निर्दोष दृष्टि से देखो कि जो है वो जो है निर्दोष जगत जो है वो अपने दोष देख करके हम दुनिया को निर्दोष दृष्टि से देख सकते हैं। स्वदोष दर्शन करके हम जगत को निर्दोष बना सकते हैं और ये निर्दोष भाव ही हमें मुक्ति ले जाएगा। और हम दोष देखते रहेंगे तो हमारे भीतर तो दोष का खजाना है, वो और खजाना बड़ा हो जाएगा, कॉजल बॉडी और बढ़ेगी और हम भव भवांतर में घूमते रहेंगे। कबीर दास जी ने बहुत सुंदर दुआ कहा है कि जो है वो बहुत सुंदर बात कही है कि बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। इसका अर्थ ये है कि दूसरे के दोष मत देखो, दोष खुद के देखो, दूसरे के गुण देखो। जो हमारी ये अंगुली दूसरे को दोष देखने के लिए जो है ये खड़ी होती है, तो हमारी ये तीन अंगुली और अंगूठा ये करता है, तेरे से तो चार गुणा दोष तेरे भीतर भरे पड़े हैं। तो तेरा कल्याण तो जब होगा जब भीतर के दोष दे, ये दूसरे के दोष देखोगे तो ये और भारी हो जाएगा। तो तुम्हें भारी नहीं होना है, तुम्हें हल्का होना है। तो जे पिंडे थे ब्रह्मांडे, हमारा निष्कर्ष की बात हम बात करें और इस एपिसोड को जो है आज हम ऑडियंस के सामने खुला करें, इसकी जो है वो हम यूटिलिटी, इसका जो है हमें प्रासंगिकता और हमें इसकी रिलीवेंस को देखना चाहें, तो हम कहना चाहेंगे कि हम पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करते हैं, हर जीवित प्राणी और मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तो इस पिंड का जो है ये पिंड के रूप में ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है, उसको आइडियल रहना चाहिए। यानी जन्म से मृत्यु तक जब हमारी समझ आवे और मृत्यु तक पहुँचे तब हमें सुकृत करना चाहिए, हमारे को चेतना को सेंटर में रखना चाहिए और हमारे जड़ पदार्थ को परिधि में रखना चाहिए। क्योंकि जड़ पदार्थ हम लेके आए हैं, वो तो हमारा इस शरीर का भुगतान है, वो तो चलता रहे, उसको रोका नहीं जा सकता। व्यवहार जगत है, सब जड़ का जगत है, और जैसे हमारा मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, इस शरीर में जो कुछ भी है सारा जड़ है, लेकिन इस पूरे शरीर के अंदर जो है वो चेतन तत्व के असंख्य चेतना में परमाणु है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो, हमें बराबर फीडबैक मिल रहा है कि हमारे पर्दे के पीछे जो हमारा ईमेल, हमारी वेबसाइट और हमारा जो मोबाइल ऐप है, उस पर आप अपनी कोई भी जिज्ञासा को भेजिए, उस जिज्ञासा का समाधान मिलेगा और उस समाधान के रूप में आपको नए नए एपिसोड्स मिलेंगे, और ताकि कि आपकी जिज्ञासा और बढ़ती जाएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामना। आत्मविज्ञान में
आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।